पंजशीर में जीत के दावों के बीच अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार गठन की प्रक्रिया आखिर दौर में पहुंच गई है। सरकार गठन समारोह में शामिल होने के लिए तालिबान ने अपने 6 मित्र देशों को न्योता भी भेज दिया है। पंजशीर पर तालिबान को मिली जीत के बाद अब अफगानिस्तान में जल्द नई सरकार के गठन का ऐलान हो सकता है। सरकार गठन की प्रक्रिया अंतिम चरण तक पहुंच चुकी है। सरकार बनाने से पहले तालिबान ने 6 देशों को समारोह में बुलावा भेजा है। इनमें तुर्की, चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान और कतर शामिल हैं। तालिबान ने चुन चुन कर उन देशों को न्योता भेजा है जिनके साथ उसके बेहतर रिश्ते हैं। तालिबान द्वारा जिन देशों को न्योता भेजा गया है उनमें से कतर को छोड़ दें तो बाकी सभी की किसी न किसी तरह से अमेरिका के साथ अदावत है। इनमें रूस और चीन भी शामिल हैं। इन दोनों ही देशों को अमेरिका अपने लिए चैलेंज मानता आया है। रूस चीन के साथ अमेरिका की कोल्ड वॉर जारी है। पाकिस्तान और ईरान पर भी अमेरिका कई तरह के प्रतिबंध लगाता आया है। तो तुर्की के साथ भी ट्रंप प्रशासन के दौरान हालात आर पार वाले हो गए थे। काबुल के राष्ट्रपति भवन में तालिबान की सरकार का गठन होना तय है। मुल्ला बरादर को तालिबानी सरकार का प्रमुख बनाया जा सकता है जबकि मुल्ला हिब्तुल्ला अखुंदजादा को सुप्रीम लीडर बनाया जा सकता है। अफगानिस्तान में सरकार के गठन को लेकर तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि जब हम सरकार के गठन का ऐलान करेंगे तभी उसके स्वरूप के बारे में जानकारी देंगे। हालांकि मुजाहिद ने कहा है कि इतना तय है कि ये ऑल इंक्लूसिव सरकार होगी, मतलब सभी वर्गों का ख्याल और भागीदारी रखने वाली सरकार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।